समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव एवं प्रवक्ता आरएस यादव जी ने आज चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग रखी और कहा वो किसानों के मसीहा थे। किसान अन्नदाता यही है भारत का भाग्य विधाता। किसान के बिना न होगी देश की प्रगति। ईमानदार मेहनत ही जिस किसान है वह मेरे देश का किसान है। दिल्ली का रास्ता गांव के खेत खलियान से होकर गुजरता है। समाजवादी पार्टी ने ललकारा है देश का किसान हमारा है। इसी कई नारों के साथ उन्होंने आगाज किया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और आज के दिन का प्रावधान होना चाहिए गजट में, उन्होंने डिमांड की और अपनी बातों को रखा। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह ना बनते, माफ करिएगा, तो एक गोष्ठी का कार्यक्रम भी करिए और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन का बना रहे, मैं उनका शिष्य हूं। और चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि राजनीति में जो कहूं से करने का काम करो, उनकी ट्रेनिंग थी। आप जब कोई प्रोग्राम करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, हर तरह की मदद जो आप कहोगे मैं आपको करूंगा, या जो भी आप कहोगे हम आपके साथ रहेंगे। बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने चौधरी चरण सिंह जी को याद किया। और मैं तो अमीर और सलाउल्लाह जो आसाम का है, जो करगिल वार के साथ खड़ा था, लड़ रहा, उसको आपने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हो, जो हर लड़ाई में हमारे साथ था, हिंदुस्तान के साथ था, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी का देश है। जन्म लिया है जो अपने मादरे वतन कहता है, कहता है कि हम मरे पैदा यही हुए तो मरेंगे भी यही मरेंगे, उनके नारे तब सवाल उठा रहे। इस तरह की जब भी कभी कोई बात होगी, आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, चौधरी साहब को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। एक ही आदमी तो था जिसने कि 60-70-80% के लोगों की बात की, किसानों की बात की, गांव की बात की, लेकिन आप किसको देंगे? आप एक माफी भी देंगे जिसने माफी मांगा अंग्रेजों से, वीर सावरकर, देखिए मेरे मुंह से भी निकल गया ना वीर सावरकर। इसी तरह से क्योंकि मीडिया ने इसका माहौल बनाया, जिसने 3 बार अंग्रेजों से माफी मांगी उसको कह रहे हैं कि भारत रत्न देंगे, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारत को शामिल किया। सबसे पहले उसी आदमी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए। ये टू नेशन थ्योरी सावरकर की थी, विनायक दामोदर सावरकर। किस तरह से जब 1942 में गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, कांग्रेस के लोग तो जेल चले गए, समाजवादियों ने उस आंदोलन को लिया हाथ में, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन समाजवादियों के हाथ में गया। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन तीनों ने उस आंदोलन का विरोध किया, तीनों ने मिलकर के विरोध किया। और जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनी ना, उसमें वीर सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई, उसके मुख्यमंत्री थे फजलुल हक, उसमें वित्त मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये कहते हैं कि गांधी और नेहरू पर आरोप लगाओगे, ये धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया। अरे धर्म के नाम पर बंटवारा हो जाता तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों रहते? धर्म के नाम पर बंटवारा हो जाता तो पाकिस्तान में हिंदू क्यों रहते? ये धर्म के आधार पर नहीं था, तुम्हारी राजनीति के आधार पर था। आज फिर तुम वही काम कर रहे हो। साथियों यही कहना चाहता हूं, जब भी कभी कोई सवाल आएगा वही भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, क्योंकि एक खलनायक बना करके रखो, आपने ऐसा बना दिया माहौल कि मुसलमान को खलनायक बना दिया, ईसाई गुर्बत सारी समस्याएं मुसलमानों के कारण है।
भाई आपने तो 370 हटा दिया कश्मीर से, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ा? हमने हम वही भी आजमगढ़ पे थे, हमने पूछा भाई कितने लोगों ने जाकर के वहां जमीन खरीद लिया था? एक मुख्यमंत्री बेवकूफ हरियाणा का कहता है कि हम वहां से लड़कियां लाएंगे शादी करेंगे, मतलब अपनी बेटियों को तो कोख में मार डालेंगे। आज हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है, 1000 लड़के पैदा होते हैं तो 850 लड़कियां पैदा होती हैं, अपनी लड़कियों को तो कोख नहीं मार देते हैं। और कह रहे हैं कि कश्मीर से लड़कियां लाएंगे, अभी तक बंगाल से बिहार से आसाम से खरीद कर लाते थे, पारो जिसको बोलते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, आप ये ही बता दो मोदी जी कि कितने कश्मीरी पंडितों को आपने श्रीनगर में जाकर बसा दिया, अब तो 370 नहीं है, अब तो 35 नहीं है, अब तो बता दो। पर अभी हम जब आजमगढ़ में थे यादव जी, इंटरनेट की सेवाएं खत्म कर दी, जो डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं, रास्ते में ट्रेन में आ रहा था मैं अलीगढ़ में गया, वो बार बार मेरे फोन में लिखा हुआ है कि सरकार के आदेश पे आपका इंटरनेट कनेक्शन रद्द किया जाता है, हम परेशान हो गए। लेकिन कश्मीर के लोगों को जरा पता करो कितने दिन हो गए, 5-6 महीने होने जा रहे हैं, लफाजी नहीं करते रहो, वहां कोई इंटरनेट नहीं है, कहीं कुछ मतलब उनका पूरा का पूरा सेव सड़ गया, मार्केट नहीं मिली, लफाजी कहते जा रहे हैं। लेकिन कहते भाई आज तक मैं बताऊंगा आपसे, पत्रकारों की टीम जाने नहीं दिया, हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, जब जब जाने की बात हुई सरकार ने कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं, तो हमसे कहते माहौल ठीक नहीं है, संसद में बोलते माहौल बहुत अच्छा है, क्या झूठों की सरकार है साहब। गृहमंत्री कहता है कि हम एनआरसी लागू करेंगे, सीएपीएफ कानून बन गया तो हम अब देश भर में एनआरसी लागू करेंगे, प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहता है कि नहीं एनआरसी पे कभी चर्चा ही नहीं। तय कर लो आप लोग आपस में, तय कर लो यार, आप कमाल क्या झूठ बोलने में, एक दूसरे को झूठा साबित करने में भी कोई जवाब नहीं है, तो देश तो सत्यों ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि आज चौधरी चरण सिंह जी, मैं तो यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं खुद भी देना चाहूंगा, सबने दिया है, किसान गणेश्वर मिश्र जी की तिथि हो, रामनारायण जी की तिथि हो, डॉक्टर रामन लोहिया की तिथि हो, चौधरी साहब की जन्म तिथि मनाई आपने, जन्मदिन मनाया, इसी बहाने लोगों को जमा करोगा। आज हम लोग यहाँ पर मेरा पुत्र चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं, चौधरी जन्म चौधरी चरण सिंह जी केवल राजनेता ही नहीं थे, किसानों के नेता ही नहीं थे, किसी पार्टी विशेष के अध्यक्ष ही नहीं थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री न होकर प्रधानमंत्री न होकर वो तो एक विचारधारा थे, एक आंदोलन का नाम थे, और ऐसे व्यक्ति जिसने हमेशा गांव गरीब किसान मजदूर शोषितों पीड़ितों अकलतियों अकलियत के लोगों की समस्याएं उठाई हों, हमारा जब देश अंग्रेजों के कब्जे में था, देश आजाद हुआ बाद में भी, और आज तक की जो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, उन समस्याओं को लेके जो चौधरी साहब का योगदान है उसे हमेशा हमेशा युगों तक याद किया जाएगा। विचारधारा व्यक्ति चला जाता है, शरीर चला जाता है, लेकिन उसकी विचारधारा उसके काम जो उनका काम था, निष्काम भाव से काम किया, जो विचार थे सद्विचार थे, और जो जनता का जो काम किया हित के काम किए हैं वो सदियों सदियों तक याद करेंगे, उसी विचारधारा वो हमारे माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया, उनकी सोच डॉक्टर लोहिया की सोच, बाबा भीमराव अम्बेडकर की सोच, और अनेक साथी जैसे राजनारायण जी, मधुलेमय साहब, कर्पूरी ठाकुर साहब, राम सेवक यादव जी आदि अनेक नेता हैं जिनका उनका साथ, उनके विचार, उनके कार्य नेताजी को हमेशा उनको आगे बढ़ाया।
और फिर समाजवादी समाज के हितों के लिए, पीड़ितों के हितों के लिए, मजलूमों को हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए जो एक समाज का समाजवादी नाम का एक पेड़ खड़ा किया है, उसको आगे ले जाने का काम आज उनके पुत्र जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव इस पेड़ को अपने सुविचार से, सत्कर्मों से, निष्काम भाव कर्मों से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनमें ये काबिलियत है, सहज हैं, सरल हैं, सौम्य हैं और खेत खलिहान से भी पारंगत हैं, तकनीक शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। सर एक सवाल, हाँ। जैसे आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, सरकार से कुछ मांग कर रहे होंगे? हाँ, क्योंकि हाँ बताने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारे पार्टी के यूनिट्स हैं देश में, हर जगह आज चौधरी धरापुत्र चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हम लोग किसान दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग रहेगी, हम अभी मांग करेंगे, हमारे पूरे समाजवादी लोग मांग करेंगे, चौधरी साहब के देश के लिए जो योगदान उन्होंने किया है उसके लिए हम किसान दिवस के रूप में इसे मनाएं। आज के दिन हम तो ये भी कहें कि आज के दिन हमेशा जैसे और महान हस्तियों के नाम पर छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टी अवकाश में करें और भारत रत्न इनको दिया जाए। इनका योगदान, चौधरी धरापुत्र चरण सिंह जी का योगदान, किसी भी आज़ादी से पहले जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब, और आज़ादी के बाद आज भी उनका योगदान किसी कमतर नहीं आका जा सकता, तो इसकी मांग समाजवादी पार्टी करेगी कि भारत रत्न दिया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा देश की जनता को, दिल्ली की जनता को? ये जो विचार, जो समस्याएं गांव गरीब की, किसानों की, बेरोजगारी की, जाति उत्पीड़न की, ये इस तरह की जो समस्याएं जो तब थी आज़ादी से पहले थी, कुछ खास लोग शोषण करते थे, वो समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़ी हुई हैं देश के सामने। एक अब तो अजीब समस्या खड़ी हो गई है, सांप्रदायिक सौहार्द जैसे तैसे हमारे देश का कायम हुआ था, वो सौहार्द को तार तार करने का काम सत्ताधारियों ने किया था। जो लोग आज़ादी से पहले भी शोषण करते थे, उनके विचार हमारे आज़ादी के लिए वो साथ नहीं देते थे, आज वो सत्तासीन हो गए हैं और देश को किसी और तरफ ले जा रहे हैं, धर्मांधता में, हिंदू मुस्लिम डिवाइड में जो ले चले हैं, इसे सौहार्द बिगड़ा है। ये तो न जाने कितना समय लग जाएगा इस सौहार्द को ठीक करने में, और आर्थिक जो स्थिति देश की बिगड़ गई है, आर्थिक रूप से हम लोग, हमारा गांव किसान गरीब, ये तो पहले ही पिछड़ा हुआ था, सदियों से शोषित होता रहा, शोषण होता रहा, आज उससे ज्यादा चंद लोगों के हाथ इन्होंने मजबूत कर दिए, सेठ लोगों को मारा माल कर दिया, गांव गरीब और गरीब हो गया, किसान आज बदहाल है। और कानून व्यवस्था आपने देखा, हमारा उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा त्रस्त है, देश की सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम कोर्ट ने दो बार टिप्पणी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ऐसे में हमारी मांग तो है ही है कि देश में, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बर्खास्त हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, और जो NRC के माध्यम से जो होम मंत्री कहते हैं इसको लागू करूंगे। अरे भाई, ये तो आपका एजेंडा कहीं और चल पड़ा, इस एजेंडे को, इस कानून जो है इसको तुरंत वापस लिया जाए। और चूंकि ये किसान दिवस है तो इसमें हमारी मांग दोबारा दोहराता हूं कि हमारे धरापुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। ठीक, NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।